तीन हफ्ते के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को अब कहा गया है कि वो अपने सदस्यों को सोसाइटी के प्रांगण के बाहर जाने से रोकें, और इसके लिए हर सोसाइटी अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कोशिशें कर रही हैं। मैं इस वक्त मुंबई से सटे मीरा रोड के एक हाउसिंग सोसाइटी में हूँ। क्या तैयारियाँ हैं जानने के लिए सोसाइटी के भीतर ही चलते हैं। गेट ये अमूमन बंद रहता है, लेकिन हम गेट खोलिएगा भैया, ये गेट अमूमन बंद रहता है इस सोसाइटी का, लेकिन अगर सोसाइटी के अंदर हम घुसते हैं तो हम देखेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड के अलावा हमें कोई प्रीमाइसेस में नज़र नहीं आता। हालांकि कोई आता है तो उसे इस सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है। ये सैनिटाइज़र यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा इस सोसाइटी में कुछ जीवनावश्यक चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में ही ला कर रख दी गई हैं। मसलन आप देख सकते हैं यहाँ पर फलों का एक ठेला जैसा है, ये दुकान सी है, यहीं पर सोसाइटी के लोग अपने फलों की ज़रूरत पूरी करते हैं, यहीं से ख़रीदारी करते हैं। इसके अलावा अगर मैं लॉबी में आता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो भी आने वाले लोग हैं वो इस किस्म के सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद ही फिर वो अपने घरों को जाते हैं। लेकिन सोसाइटी के लोगों को घरों से निकलने से कैसे रोका जाता है, ये नियम कैसे पाले जाते हैं, इस पर बात करने के लिए खुद सोसाइटी के सेक्रेटरी हमारे साथ। नमस्कार दादा, क्या समय है, कोई समय तय किया गया है कि इस दरमियान लोग घर से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? देखिए, सोसाइटी में कुछ चीज़ें हमने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और हर एक मेंबर उसके लिए साथ भी दे रहा है, हमारे साथ में है। गेट सुबह सिर्फ मॉर्निंग में 7 बजे खुलता है, इसे 10 बजे तक चालू रहता है, उसके बाद सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक बंद रहते हैं, और रात शाम को वापस हम 7 से 10 का टाइमिंग हम दिए हुए हैं जब भी हम गेट को खोलते हैं। इस टाइम में लोगों को जो भी जीवनावश्यक वस्तु लेनी है, किराना स्टोर में जाना है, केमिस्ट में जाना है, मेडिकल का जो भी है, वो लोग वो टाइम पे जाके लेके आ रहे हैं। हमने ना ही सिर्फ फलों का, हम लोग सुबह के टाइम में यहाँ पे एक सब्जी वाला भी आता है, जो सब्जी वाला भी आके यहाँ पे थैला लगा के जाता है ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। आप अगर विंग में देखोगे तो दूध की सब थैलियाँ जो सुबह आती है दूध देने वाले, वो भी दूध वहाँ पे ही रख के जाते हैं। किसी भी वेंडर को ये गेट से अंदर आने के लिए अलाउड नहीं है। किसी भी घर में कोई भी काम करने वाले वेंडर्स नहीं जा पा रहे हैं। जो भी डिलीवरी से वो भी सब नीचे हो रही है। एवरी तीसरे दिन में बिल्डिंग में फॉगिंग हो रही है। यहाँ पे हम सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं पूरे सोसाइटी का, लिफ्ट से लेके जो भी कॉमन एरिया से उसके सबके हो रहे हैं। तो ये एहतियात बढ़ते जा रहे हैं जिस हिसाब से कि जो भी आज के दिन में रेसिडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे रहने वाले, वो हर एक को कुछ भी इस COVID-19 का उसके चलते कोई भी इफेक्ट हमारे सोसाइटी के अंदर ना आ जाए। दिन में 10 बजे से 7 बजे तक बिल्कुल बंद रहता है, मतलब इस सोसाइटी का एक भी व्यक्ति इस दरमियान इस गेट को क्रॉस नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, और ठीक उसी तरीके से बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। इसके अलावा सोसाइटी ने 2-4 चीज़ें और भी सुनिश्चित की हैं, मतलब ज़रूरत की चीज़ें अब सोसाइटी में ही ला कर रख दी गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। लॉकडाउन के बाद फिल्मों की शूटिंग बंद हुई है। मुंबई की फिल्म सिटी की बात करें तो यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सीरियल्स की शूटिंग भी थमी हुई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया, और उसके बाद लॉकडाउन में मुंबई की फिल्म सिटी में किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है वो देखा भी जा सकता है। सीरियल्स की तमाम शूटिंग बंद पड़ी हुई है। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए 3 हफ्ते के लॉकडाउन का असर बॉलीवुड पर भी पड़ा है, और सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई है। मैं इस वक्त मुंबई के फिल्म सिटी में खड़ा हूं, जहां पर अमूमन फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। कभी यहां पर लाइट कैमरा एक्शन सुनाई पड़ता था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आखिरी शूटिंग के बाद पैकअप खुद ईश्वर ने बोल दिया है। यहां पर अब किसी भी किस्म की शूटिंग नहीं होती। 527 एकड़ में फैले दादा साहब फाल्के चित्र नगरी नाम से जाने वाला एक कैंपस, जिसे कि फिल्म सिटी का नाम दिया गया है, यहाँ पर न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग्स होती थी बल्कि सीरियल्स और रियलिटी शोज़ की भी शूटिंग होती थी, लेकिन अब ये शूटिंग्स पूरी तरीके से रोक दी गई हैं। यहाँ पर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, इनसे जुड़ी हुई फिल्मों की भी शूटिंग हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से इन अभिनेताओं ने खुद को लॉकडाउन के बाद सेल्फ आइसोलेशन में रखा है, उसके बाद यहाँ पर किसी भी किस्म की एक्टिविटी जो है पूरी तरीके से रुक गई है। फिल्म सिटी चूंकि अपने आप में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, इस वजह से यहाँ से टूरिज्म के नाते भी इस जगह को डेवलप करने की कोशिशें की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समूचे फिल्म सिटी के प्रांगण को दिखाने के लिए, कैंपस को दिखाने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट रखा गया है, जिसमें लोग यहाँ पर आया करते थे और फिल्म सिटी की शोभा को देखा करते थे, यहाँ की शूटिंग्स देखा करते थे किस किस्म से होती है। लोगों के मन में इस बात को देखने की इच्छा होती थी कि यहाँ अगर वो शूटिंग देखने आते हैं तो फिल्मों के सितारे उन्हें ज़मीन पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ अब रुक सा गया है। कोरोना वायरस की वजह से फिल्म सिटी टूर जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है।
अभिनेता दिखना तो बहुत दूर की बात, अब यहाँ पर सिर्फ अगर कुछ नज़र आता है तो एक बियाबान सन्नाटा और इस पूरे प्रांगण को अपनी निगरानी में रखते हुए सुरक्षा मुहैया कराते हुए कुछ सुरक्षा कर्मी। ये आलम मुंबई के फिल्म सिटी का है जहाँ पर काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन कोरोना का संक्रमण उसका खौफ ऐसा है कि सब कुछ रुक सा गया है। आर्थिक नुकसान उठाने को बॉलीवुड तैयार है, लेकिन फिल्मों की शूटिंग शुरू करने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।